गुड मॉर्निंग स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस क्लास सेकेंड चैप्टर थ्री द सन एंड द शेडो ये स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द मोर टॉपिक्स दिस चैप्टर द सन एंड द शेडो द सन मीन्स सूरज एंड द शेडो मीन्स हमारी जो परछाई या छायाँ होती है ना उसे हम क्या कहते हैं शेडो ओके मैन आई थिंक आई होप आई हैव यू हैव लर्न द वर्ड मीनिंग्स वट आई गेव यू इन प्रीवियस क्लास टूडे वी आर गोइंग टू लर्न द सम मोर वर्ड मीनिंग्स ऑफ द टॉपिक लेंथ ऑफ अ शेडो So, let us firstly learn the word meanings and then we will read the paragraph, okay? So, L-E-N-G-T-H, length, length means lambai, length means lambai, okay? A-N-Y-O-N-E, anyone, anyone means koi vekti ya koi bhi, anyone means koi vekti ya koi bhi. एम इ एस यू आर इ मेजर मेजर मापना मेजर मीन्स मापना नेक्स्ट ए एफ टी आर आफ्टर एन डबलो एन नून आफ्टर नून आफ्टर नून मीन्स दोपहर आफ्टर नून मीन्स दोपहर डी आई डबल एफ इ आर इ एंड टी डिफरेंट डिफरेंट मीन्स भिन्न डिफरेंट मीन्स भिन्न एल ओ एन जी ई आर लॉगर लॉगर मीन्स अधिक लंबा लॉगर मींस अधिक लंबा एस हेच ओ आर टी इर शॉर्टर शॉर्टर मीन्स अधिक छोटा शॉर्टर मीन्स अधिक छोटा एंड डबल ओ एन नून नून मीन्स दोपहर नून मीन्स दोपहर, ये स्टूडेंट्स लर्न एंड राइट द वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक, नाउ लेट अस स्टार्ट रीडिंग द पैराग्राफ लेंथ ऑफ अ शेडो लेंथ ऑफ अ शेडो मीन्स छाया की जो परछाई होती है उसकी लंबाई गो आउट इन द सन इन द मॉर्निंग गो आउट इन द सन इन द मॉर्निंग मीन्स आपको क्या करना है यस yes, हमें बाहर सुबह के समय में सूरज के सामने जाके खड़ा होना है लुक एट योर शेडो जैसे आप सूरज के सामने सुबह के समय जाके खड़े होंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है जो छाया या परछाई है उसको देखना है आस्क एन वन टू मेजर द लेंथ ऑफ योर शेडो फिर उसके बाद आप किसी से भी कहोगे क्या कहोगे कि ये जो शेडो मीन्स जो परछाई मेरी यहाँ पर है इसकी लंबाई माप दो मीन्स नाप दो ओके गो आउट इन द आफ्टरनून आफ्टरनून मीन्स दोपहर में बाहर जाना है गो आउट मीन्स बाहर जाना ओके एंड लुक एट योर शैडो फिर दोपहर में आप बाहर जाओगे लुक एट दोपहर में बाहर जाने के बाद आपको क्या करना है आपको अपनी परछाई दोपहर में आप जाओगे आप अपनी परछाई देखो नाव लुक एट योर शेडो इन द इवनिंग अब शाम को फिर से आपको सूरज के सामने जाके खड़े होना है फिर आप उस परछाई को देखो यू विल सी दैट द लेंथ ऑफ द शैडोज एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे इज़ डिफरेंट अब आपको क्या पता चल रहा है कि जो छा परछाई या जो छाया आपके सामने जो सुबह थी जो दोपहर को है और फिर जो शाम को है वो अलग अलग है भिन्न है है ना लंबाई भी उसकी अलग होगी शेडोज आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग शेडोज मीन जो परछाई छाया होती है ना वो कैसी है सुबह के समय में लंबी होती है अधिक लंबी होती है नेक्स्ट एंड ईवनिंग बट शॉटर एट नून सुबह और शाम को हमारी जो परछाई होती है ना वो लंबी होती है अधिक बड़ी होती है और लेकिन शाम दोपहर में जब हम अपनी लंबाई को यानी परछाई को देखेंगे उसकी लंबाई बहुत ही अधिक छोटी होती है ओके स्टूडेंट्स जब आप शाम को देख सकते हो आप यहाँ पे पिक्चर में एक बार देख सकते हो कि सुबह के समय जब सूरज उगा था और जब धूप थी तो देखा गया कि जब पेड़ की छाया दी अब आप अपने आप की खुद की छाया परछाई देखोगे पे सूरज के सामने पेड़ था तो उसकी लंबाई पेड़ से भी ज्यादा दिखी ठीक है फिर उसके बाद दोपहर में सूरज सिर के ऊपर होता है हमारे तो जब पेड़ के ऊपर आया तो क्या हुआ जो उसकी जो लंबाई थी मतलब उसकी जो परछाई है वो पेड़ के चारों इर्द गिर्द ही रही लंबाई उसकी छोटी हो गई लेकिन शाम को फिर से वही चीज जो सुबह में भी थी मतलब उसकी परछाई जो है वो लंबी रही उसकी जो लंबाई है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी थी अब हम क्या पढ़ेंगे पॉइंट्स टू रिमेम्बर द सन इज अज बॉल ऑफ फायर सन क्या है एक बड़ी सा बॉल की तरह है जो आग में जलता आग की तरह होता है इट गिव्स अस हीट लाइट एंड एनर्जी हम सूरज हमें क्या क्या देता है गर्मी देता है प्रकाश देता है और यहाँ तक कि हमें एनर्जी ऊर्जा भी प्रदान करता है शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक्स द लाइट शैडो मीन्स छाया या परछाई कब बनती है जब कोई वस्तु रोशनी या प्रकाश के बीच में आ जाता है मीन्स उस रस्ते को बंद कर देना समझ में आया नेक्स्टो इज फॉर्म्ड ऑन साइड ऑफ द लाइट और जब भी शेडो प्रकट होता है बनता है, कैसे बनता है? कैसे पर आप खड़े हो, उसके opposite side में shadow दिखाई देता ओके? मॉर्निंग एंड इवनिंग शेडोज मीन परछाई छाया जो होते हैं सुबह और शाम के समय में बहुत अधिक लंबी होती है ओके स्टूडेंट्स नाव लेटर सी द न्यू टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर सन अज बॉल ऑफ फायर सन मीन्स सूरज एक बड़ा सा आग की जो गेंद होती है ना गोल वो नेक्स्ट शेडो शेडो मीन छाया परछाई डिहाइंड ऑब्जेक्ट दट ब्लॉक्स लाइट मीन्स ए डार्क पैच मीन्स एक बड़ा सा धब्बा मान लो या फिर जो रोशनी के बीच में खड़े हो जाने की वजह से क्या होता है वह उसके सामने ही शेडो मीन्स परछाई प्रकट होती है ओके okay, स्टूडेंट्स you have to learn and write the notebooks and new term learn and write the word meanings and new terms in your notebook fair notebook and read the paragraph and points to remember have a nice day